नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं खबर हरियाणा। तो चलिए रुख करते हैं हरियाणा की तमाम खबरों की ओर। हांगकांग का एक 21 वर्ष का युवक जिसने पीटर ली नाम था, जिसके हौसले के आगे सब छोटे दिख रहे थे। उम्र जरूर छोटी थी लेकिन मुकाम बड़ा, यही मन से ठान कर पीटर ली कई देशों में घूमने के लिए साइकिल पर ही निकल पड़ा। आपको बता दें कि पीटर ली ने यह सफर 7 सितंबर 2016 को हांगकांग से शुरू किया और कई देशों में घूमते हुए पीटर ली ने 7 जनवरी को भारत में दाखिल हुए। चीन से नेपाल और नेपाल से भारत के बिहार में दाखिल होने के भ्रमण करते हुए पीटर देर रात यमुनानगर पहुंचे। And when you entered in India? January 7. Okay. So every day, how much kilometers you travel? 120 or 140. Okay. So till now, how much you cover? 6,000. And your last destination? UK. Now I have to go to Hong Kong, China, Tibet, Nepal, and India. Next, I would go to Yunnan, Pakistan, and you. When you come back, do you want to do it again? No, get the airplane. जैसे कि मैं इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा सर्फ करता रहता हूँ, तो उसी के थ्रू सर्फिंग करते करते मेरी बातचीत हुई इस बारे में। तो इनसे मैंने देखा इनको ट्रैवल करते हुए, तो ट्रैवलर्स की कम्युनिटी होती है जिसका ये भी पार्ट है और जिसका पार्ट मैं भी हूँ, जिसमें है कि हम ऑल ओवर वर्ल्ड का कोई भी ट्रैवलर एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है जो किसी भी सिटी में है। तो उन्हीं के थ्रू हम आपस में मिले। मेरी इनसे जस्ट ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 3 दिन पहले बात हुई है, तो इन्होंने बताया कि मैं हांगकॉन्ग से चला हूँ और मैं चाइना, तिब्बत, नेपाल होते हुए बिहार से मैंने एंट्री किया गया, पटना, वाराणसी, दिल्ली होते हुए ये ऋषिकेश में थे। तो ये 26 जनवरी को ये ऋषिकेश में थे जब मेरी इनसे बातचीत हुई। तो इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने अभी तक 6,700-800 किलोमीटर बाईसाइकिल पे ट्रैवल किया है। तो मैंने इन्हें कहा कि ठीक है, अब आपका आगे जाने का क्या प्लान है? तो इन्होंने बताया कि ये अभी पाकिस्तान जाएंगे वाया हरियाणा के बीच में से यमुनानगर होते हुए। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं यमुनानगर में रहता हूँ, आप आइए, हम वहाँ पर मिलते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो ट्रैवलर्स होते हैं वो एक दूसरे के कल्चर्स को जानना चाहते हैं, तो मैंने इन्हें इन्वाइट किया, ये यहाँ पर आए हैं और अभी ये कल यहाँ से निकलेंगे लुधियाना के लिए और फिर वहाँ से ये अमृतसर जाएंगे और अमृतसर से ये फिर बाघा बॉर्डर जो है हमारा क्रॉस करके ये पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान से ईरान। तो अभी तक तो इनकी ये है। और आज की डेट में जो इन्होंने अपनी मुझे जो इनका GPS गैजेट है जो शो किया है उसके अंदर इनका 7,039 किलोमीटर 7,039 किलोमीटर ऑन अ बाईसाइकिल इन्होंने ट्रैवल अभी तक कर लिया। इनका ये है कि देखिए, इनकी जो एज है वो 21 साल है। इनका जो वर्किंग प्रोफेशन है कि इन्होंने अपना हाई स्कूल किया और इन्होंने कहा कि लाइफ जो है वो बहुत हेक्टिक है, जैसे कि कहते हैं कि बस कमाया और सोए, कमाया सोए, कमाया सोए, वही। तो मैं अपनी ज़िंदगी को महसूस नहीं कर पा रहा था, तो बस मैं ज़िंदगी को महसूस करने के लिए मैंने ये स्टेप उठाया। इनके फादर ने इनको अलाउ किया कि अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो जाओ, तुम्हें कोई मना ही नहीं है। मदर ने, आपको पता ही है, माएँ कहीं की भी हों वो हर जगह की एक ही जैसी होती हैं, तो उन्होंने मना किया, लेकिन फिर भी इन्होंने पैसे कमाए अपनी जॉब से और $500, मतलब आप अगर कैलकुलेट करें तो 33,000-34,000 रुपये के अप्रोक्स इन्होंने ये बाईसाइकिल खरीदी जो आपने देखी और सारा सामान इकट्ठा किया और ये अपना निकल पड़े उसके बाद।